अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक पेज किस तरह डिलीट कर सकते हो। जी हाँ, आप अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। या आपने गलती से कोई पेज बनाया, या आपने कोई पेज बनाया है तो आप उसको बड़ी आसानी से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो किस तरह डिलीट करते हैं, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहां चलते हैं, अपने फेसबुक को ओपन करते हैं। यहां हमने अपने फेसबुक को ओपन कर दिया है, हम फेसबुक में एंटर हो चुके हैं। तो यहां आप लोगों को क्या करना है, यहां आप लोगों को अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ जो है ना आपका प्रोफाइल है, तो आप जो है ना यहाँ प्रोफाइल से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके दो आईडीज हैं या तीन हैं तो यहाँ आप लोगों को इस तरह शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ भी अपना पेज नज़र आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पेज वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को अपने पेज नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ मैं सिंपली इसी पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हो कि जो है ना मेरा पेज यहाँ आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज को कम्प्लीटली डिलीट करूँ। तो मैं इस पेज को किस तरह डिलीट कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू एज, तो ये व्यू एज वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। शायद आप लोगों के मोबाइल में यहाँ मोर आ रहा है, तो अगर मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आप लोग मोर पर क्लिक करेंगे, वरना व्यू एज तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक करते ही आप लोगों के सामने ऊपर राइट साइड में आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट पेज, तो आप लोग एडिट पेज पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को डाउन साइड में ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग्स, तो आप लोग सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ आप लोग जर्नल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जर्नल ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, आप लोग डाउन साइड जाएंगे। डाउन साइड में आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, या तो आप लोगों को नज़र आ रहा है रिमूव पेज, या तो यहाँ आप लोगों को इस तरह शो हो जाएगा रिमूव पेज परमानेंटली डिलीट मीर एमरी। तो ये जो है ना मेरा पेज का नाम है, तो मैं इस पेज को परमानेंटली हमेशा के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है परमानेंटली डिलीट, तो यहाँ आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ लिखा हुआ है डिलीटिंग अ पेज इज़ परमानेंट, वंस यू डिलीट अ पेज यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक। तो फ्रेंड्स, यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने एक दफ़ा अपने पेज को डिलीट कर दिया तो आप अपने पेज को दूसरी दफ़ा हासिल नहीं कर सकते हो। और पहले क्या होता था, पहले 14 दिन तक डेट दे देते थे ये लोग, आप लोग अपने पेज को 14 दिन के अंदर रिकवर कर सकते थे, लेकिन अब भी ऐसा नहीं है। अब आप अगर अपने पेज को डिलीट करेंगे तो आप दूसरी दफ़ा अपने पेज को रिकवर नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है आर यू श्योर डू यू वांट टू डिलीट, आगे मेरा पेज का नाम है, तो ये जाहिर है मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट पेज, तो आप लोग डिलीट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ डाउन साइड में आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है यूर पेज इज बीन डिलीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पेज परमानेंटली डिलीट हो चुका है, तो यहाँ मैं जो है ना प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो पेज है ना वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है, अब मेरा वो पेज वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।